हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है बेटा हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट। अपने जो थंबनेल है उसमें देख लिया होगा, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो करने जा रहे हैं किसके बारे में, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। जो इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं बेटा। जिसने वो वीडियो वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो है वो जाकर देखें और आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। लैंड जो ट्रांसपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो रोडवे के बारे में पढ़ेंगे, रोड के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा रेलवे के बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक चीज़ को हम डिस्कस है वो करेंगे पहले। तो बात करते हैं पहले किसके बारे में, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जो लैंड ट्रांसपोर्ट है बेटा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड बोला जाता है। किसका? ट्रांसपोर्ट का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? ये मोड है ट्रांसपोर्ट का। बिकॉज क्यों है, इसका जवाब आप देंगे, ठीक है ना, कि ये सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो किया जाता है लैंड ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट या मतलब मैं कहूँ सबसे महत्वपूर्ण है वो माना जाता है बेटा। अर्लियर स्टेज की बात करते हैं, ठीक है ना। इन अर्लियर डेज या अर्लियर टाइम की यदि मैं बात करता हूँ तो मानव क्या करता था, स्वयं अपनी जो वस्तुएं होती थी उनको आदान प्रदान वो करता था। जैसे आपको पता है कि पहले मानव क्या करता था, खुद ही अपनी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता था। तो इसी पूरी जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है ह्यूमन पोर्टेज, मानव वाहन। ये जो कंडीशन थी इसमें मानव को ही क्या, मानव किसका काम करता था, वाहन का काम करता था, इसलिए इसको बोला जाता है ह्यूमन पोर्टेज। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी सभी को, आशा करता हूँ कि आपको कोई भी जो डाउट है वो नहीं रही होगी कि ह्यूमन पोर्टेज क्या थे। जो अर्लियर टाइम पीरियड में, अर्लियर टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब मानव अपना सामान खुद ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता था। अब आगे बात करते हैं, जब मैन ने स्टार्ट किया यूजिंग एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मानव ने क्या किया, पहली बार जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, पशुओं का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। कब? अबाउट 3000 ईयर एगो, लगभग आज से 3000 साल पहले मानव ने पशुओं को क्या करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब सामान को ढोने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के रूप में उनका इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया था। आगे बात करूं, इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एनिमल था वो था हॉरस एंड मोल्स। मोल्स होते हैं जो खच्चर, मोल्स होते हैं, ये होते हैं खच्चर, एज ए ये लगा लीजिए घोड़े की ही प्रजाति होती है, घोड़े से मतलब थोड़ा सा नीचे होता है खच्चर। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट थे। आगे यदि मैं बात करता हूँ, जैसे ही इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ व्हील का, तो एक बड़ी क्रांति है वो आई लैंड ट्रांसपोर्ट में। सबसे बड़ी जो क्रांति है वो देखने को मिली इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब व्हील का आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ कि जो कार्टर्स हैं और जो वोगन है उनका इस्तेमाल है, उनका जो इफेक्ट है वो काफ़ी बढ़ गया। जो बग्गियाँ, ठीक है ना, बग्गी टाइप में होते हैं, जैसे आपने आमतौर पे बग्गी देखी होगी, तो उसके उनका जो प्रयोग है वो काफ़ी बढ़ गया जैसे ही व्हील का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। इसमें जो पहले जो घोड़ों पे एक लिमिटेड मात्रा में ही जो सामान है वो जाता था, अब क्या करने लग गया था, जब से इन्वेंशन हुआ है व्हील का, आविष्कार हुआ है व्हील का, तो उससे क्या हुआ कि बड़ी मात्रा में मतलब कम समय में हम ज़्यादा जो सामान है वो आसानी से भेज सकते हैं। तो मतलब कम जो पशु थे उनकी आवश्यकता है वो पड़ती थी और ज़्यादा जो सामान है वो भेज सकते थे। इन्वेंशन से यह हुआ अर्लियर टाइम में। हॉरस मोस्ट यूजफुल एनिमल्स, बिकॉज जो एनिमल्स हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था वो घोड़े को ही किया जाता था, क्योंकि राइडिंग के लिए उसका था, कैरी के लिए जो वस्तुओं को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, पैसेंजर्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, तो इसमें इसलिए इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो एनिमल्स है वो माना जाता है इन अर्लियर टाइम। पूरे मतलब प्राचीन समय की यदि मैं बात करता हूँ तो पूरे विश्व में किसका इस्तेमाल होता था, पूरे विश्व में घोड़ों का जो इस्तेमाल है वो होता था बेटा। अकेला जो घोड़ा था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो अदा करता था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। इन अर्लियर टाइम पीरियड की बात करनी है, ध्यान रखना, कभी आप अभी की सोचो। फर्स्ट रिवॉल्यूशन, मतलब पहला रिवॉल्यूशन वो सब एक बड़े लेवल पे, व्हील से भी बड़े लेवल पे एक आपको क्या देखने को मिला, रिवॉल्यूशन देखने को मिला इन लैंड ट्रांसपोर्ट।
लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे बड़ी जो क्रांति जो मानी जाती है वो मानी जाती है इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था बेटा, 18वीं जो शताब्दी है उसमें जो भाप का जो इंजन है, स्टीम जो इंजन है, इसका आविष्कार हुआ, इसका इन्वेंशन हुआ, तो इसको सबसे बड़ी क्रांति है वो माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेलवे है उसने भी जो स्टीम का जो इंजन है उसका इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया, और इसके साथ इस्तेमाल करने से खासकर जो इंडस्ट्री है या फिर एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें भी स्टीम के जो इंजन है उसका मतलब उसका जो यूज़ है वो होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वो लिख रखी हैं। जैसे ही रेलवे ने रिप्लेस कर दिया हॉर्स को रिप्लेस कर दिया और किसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, स्टीम के इंजन को। फिर आगे क्या बताई गई है यहाँ पे, स्टीम की दो तीन जो पॉइंट है उनको इम्पोर्टेंट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्टीम ऑफ इंजन, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, और रिप्लेस कर दिया किसको, हॉर्स को। पहले जो रेलगाड़ी जो चलती थी वो चलती थी किससे, हॉर्स से, और अब जो चलने लगी हैं वो चलने लगी हैं बेटा किससे, स्टीम इंजन से। 18th सेंचुरी में इसका जो आविष्कार है वो हुआ था। इससे क्या हुआ, एक्सेबिलिटी बढ़ी और कनेक्टिविटी बढ़ी, कि मतलब जो रेलवे का जो नेटवर्क था उसमें तो ग्रोथ हुई, ठीक है ना, रेलवे का जो नेटवर्क था उसमें काफ़ी जो ग्रोथ है वो देखने को मिली, और इसके कारण क्या हुआ कि रेलवे की जो पहुंच थी वो भी दूर दूर तक होने लगी। और इसके साथ साथ जो माइनिंग है, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है, इनमें भी जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिली, किसके कारण, स्टीम के इंजन के कारण। अब क्या हुआ, 19th सेंचुरी में आविष्कार हुआ इंटरनल कन्वेंशन ऑफ इंजन या कन्वेंशन इंजन का, कन्वेंशन जो इंजन है इसका आविष्कार हुआ, और इसको हम डीजल इंजन भी बोल सकते हैं, डीजल के जो इंजन है उसका आविष्कार हुआ। और इसने टोटली देखो, अब इस्तेमाल तो होता था घोड़ों का, जो हॉर्सेस हैं उनका इस्तेमाल होता था पर एक छोटे लेवल पे होता था, इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब इसने पूरी टोटली उसको रिप्लेस कर दिया घोड़ों को, कि नहीं छोड़िए अब भूल जाइए घोड़ों को, जो कमर्शियल यूज हैं उनके लिए अब वो होता था। फर्स्ट टाइम यूज इन ऑटोमोबाइल, तो जो जो डीजल इंजन है, जो कन्वेंशन इंजन है उसका इस्तेमाल है वो होना स्टार्ट हो गया कहाँ पे, ऑटोमोबाइल में। हॉर्स को पूरी तरह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया आफ्टर सम टाइम। देखो इसने क्या किया, सबसे पहले इसका जो ऑटोमोबाइल है उसमें यूज होना स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, कॉमर्शियल जो व्हीकल हैं उनमें भी इसका ये जो इंजन है इसका इस्तेमाल होने लग गया। मिलिट्री के व्हीकल्स हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, जो एग्रीकल्चर के जो उपकरण हैं उनमें भी डीजल के इंजन हैं उनका आविष्कार है वो होने लग गया, जैसे ट्रैक्टर है, कंबाइन है, थ्रेसर है, इनमें सारे में। अब क्या हुआ, देखो आपने तो सिर्फ ये मोड पढ़े हैं ट्रांसपोर्ट के, जो लैंड ट्रांसपोर्ट हो गया ये चीज़। अब जो लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, कुछ एक सालों में एक नया जो ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो भी आया है निकल के सामने, एक नया ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो निकल के सामने आया है। अब वो कौन सा है, जैसे रोप वे है, रस्सियों के द्वारा रास्ता बनाना, रोप वे, केबल वे है, और पाइपलाइन है, ये तीन चीज़ें हैं वो नई निकल के आई हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में, ये 20वीं सेंचुरी में ही आपको देखने को मिलेंगी। आप जब पढ़ोगे ज़्यादा डिटेल में तो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो 20वीं शताब्दी में या जो 20वीं जो सेंचुरी है उनमें ही इनका जो आविष्कार है वो हुआ है, या इसे जो लैंड ट्रांसपोर्ट में यूज किया गया है। रोप वे का और केबल वे का जो इस्तेमाल है वो खासकर माउंटेन एरिया में, माउंटेन एरिया या फिर जो डिफ़िकल्ट एरिया है काफ़ी, या मैं कहूँ कि मोस्ट जो डेंजरस जो एरिया है वहाँ पे इनका इस्तेमाल है वो किया जाता है, रोप वे का और केबल वे का, ठीक है ना। रोप वे मतलब जो रस्सियों के द्वारा रास्ता बनाना, या आपने पहाड़ों पे आमतौर पे देखा होगा नदियों के ऊपर से रास्ता बना दिया जाता है, जैसे तिब्बत है, तिब्बत में देखा होगा, या फिर मैं बात करूँ नेपाल, भूटान, और अपने यहाँ पे ऊपर की साइड हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इन क्षेत्रों में आमतौर पे है, और वैसे भी आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। पाइपलाइन का जो इस्तेमाल है वो होता है ऑयल को सप्लाई करने के लिए, वाटर की सप्लाई के लिए, या मैं कहूँ कि जो मिनरल्स होते हैं उनकी सप्लाई के लिए इनका इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही बताना था मुझे बेटा, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा।
और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है और आपको कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो में तो आप लाइक कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाली जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा उसकी भी जो वीडियो है वो आपको काफ़ी जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि पूरे जो नोट्स के साथ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश है वो की है, और बस इतना ही था आज का जो टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।